आपको अहम खबर दें कि इस्लामाबाद में तरनूल इंटरचेंज के करीब एंटी स्मगलिंग सेल ने कार्रवाई की है। आपको बता दें मुसाफिर बस में छिपाया गया लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया गया है। भारत से स्मगल शुदा तेल, LEDs, चाइनीज ताले और दीगर सामान शामिल है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे 92 न्यूज के नुमाइंदे एहतिशाम अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम, किस तरह से ये कार्रवाई की गई है, मुलजिमान कौन है? अजी बिल्कुल, तरनौल इंटरचेंज के करीब महकमा कस्टम के एंटी स्मगलिंग सेल की ये बड़ी कार्रवाई है। मुसाफिर बस में छुपाया गया लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया गया। कस्टम अकाम के मुताबिक पकड़े गए सामान में भारत से स्मगल शुदा तेल, LEDs, चाइनीज ताले, 1320 बोतल भारतीय तेल, 570 ताले शामिल है। स्मगल शुदा सामान में 370 किलोग्राम गैर मुल्की कपड़ा, 60 किलोग्राम बाल बैरिंग भी शामिल है। सामान में 66 गैर मुल्की स्मगल शुदा LEDs टेलीविजन भी शामिल हैं। कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अकाम ने कब्जे में लिया सामान कस्टम गोदाम में मुंतकिल कर दिया और मुल्जमान को थाने मुंतकिल कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया एहतिशाम अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।